नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीग्राम चैनल पर मैंने आपको एक पोल दिया था और उस पोल में क्वेश्चन किया गया था कि क्या आपके लिए जीएस की नई सीरीज स्टार्ट की जाए। तो 76% स्टूडेंट ने उसमें सहमति दर्ज की कि हाँ, निश्चित रूप से जीएस की नई सीरीज स्टार्ट की जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से एक जीएस की नई सीरीज शुरू हो रही है। और इसमें देखिए क्या होगा, इसमें इस जीएस की जो सीरीज़ में आपको इम्पोर्टेंट जीएस की क्वेश्चंस होंगे और कोशिश की जाएगी कि जो भी जीएस की क्वेश्चंस होंगे वो एक टॉपिक को कवर करते हुए आगे बढ़े जाए। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी जीएस के जो क्वेश्चंस होंगे वो एसएससी की सभी परीक्षाओं जैसे कि सीजीएल, सीएचएसएल यानी कि 10+2, एमटीएस, रेलवे की ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्ज़ाम और पुलिस की एसआई और कांस्टेबल एग्ज़ाम, साथ ही साथ अदर एग्ज़ाम जैसे कि लेखपाल, सुपर टेट या पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए इस तरह के क्वेश्चंस यूज़फुल होंगे। यानी कि आप सभी एग्ज़ाम के लिए इन क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस में एक्सप्लेनेशन भी होगा, पूरी तरफ से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जहाँ पर भी इमेज की ज़रूरत होगी, मैप की ज़रूरत होगी, वहाँ पर उसका भी प्रयोग किया जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको नेक्स्ट डे से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो पूरा आज देखिएगा जिससे कि आपको महसूस हो सके कि इस तरह की वीडियोस आपको किस तरह से हेल्पफुल बना सकती है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्लू मून परिघटना कब घटित होती है। देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि ब्लू मून परिघटना क्या है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किसी वर्ष में 12 पूर्णिमा के अतिरिक्त पूर्णिमा। देखिए बाकी के ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि पहले ऑप्शन में दिया गया कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो या लगातार 2 माह में 4 पूर्णिमा हो, तो ये सभी आंसर गलत हैं। आपका आंसर है किसी वर्ष में 12 पूर्णिमा के अतिरिक्त पूर्णिमा। देखिए होता क्या है कि जो भी कैलेंडर वर्ष होता है उसमें कुछ डेज एक्स्ट्रा हर वर्ष जुड़ते रहते हैं। तो जब 2 या 3 साल बाद एक निश्चित रूप से कुछ दिनों की संख्या जब बढ़ जाती है, तो 12 पूर्णिमा के अतिरिक्त 13वीं पूर्णिमा उस वर्ष में आती है। यानी कि 12 के अतिरिक्त जो 13वीं पूर्णिमा होती है उसको बोलते हैं ब्लू मून, राइट। और ये जनरली 3 साल के बाद जो है ब्लू मून परिघटना होती है। देखिए मैं आपको बता दूं कि ब्लू मून एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता दूं, देखिए गूगल से, विकिपीडिया से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी लिया है। देखिए यहाँ पर लिखा है, द टर्म हैज़ ट्रेडिशनली इन द माइन फार्मस एलमेक रेफर्ड टू एन एक्स्ट्रा फुल मून वेयर अ ईयर विच यूजली हैज़ 12 फुल मून्स हैज़ 13 इंस्टेड। यानी कि जनरली 12 मून होती हैं, लेकिन अगर उसके बजाय आपकी 13वीं मून अगर आती है तो उसको ब्लू मून बोला जाता है। तो इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि जिस वर्ष में 12 मून के अतिरिक्त जो पूर्णिमा होती हैं उसके रक्त जो 13वीं पूर्णिमा होगी उसे बोलते हैं ब्लू मून, राइट। आप आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969, 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। देखिए इसमें एक्स्ट्रा जो फैक्ट हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊं। तो देखिए अमेरिका का एक मिशन था जिसको बोला है अपोलो, ठीक है, अपोलो 11। तो अपोलो 11 नाम का जो मिशन था इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे गए थे, जिसमें कि नील आर्म स्ट्रॉन्ग, माइकल कोलिंग्स और एडविन एल्ड्रिन थे। जिसमें कि केवल नील आर्म स्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा के तल पर अपने कदम रखे थे, राइट। तो देखिए यहाँ पर इमेज में आप देखिए, ये हैं आपके नील आर्म स्ट्रॉन्ग, इन्हीं के नेतृत्व में अपोलो 11 जो मिशन था वो चंद्रमा के लिए 1969 में गया था, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 1969 की भी देखो यहाँ पर उनकी ये इमेज दी गई है। तो 1969 में मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अगर एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछी जाए तो वो आपकी है 20 जुलाई, ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें नील आर्मस्ट्रांग की तो 1930 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, चंद्रमा पर। अब बात करते हैं कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है क्या, वो भी तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस बनते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए जो चंद्रमा है यानी कि जो मून है उस पर काले धब्बों का जो क्षेत्र है
जहाँ पर ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं उसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। इमेज में यहाँ पर देखिए, ये आपका मून है, यहाँ पर देखिए कुछ डार्क स्पॉट हैं, काले धब्बे, जैसे कि ये देखिए जो क्षेत्र है काले धब्बों का क्षेत्र है, ये क्षेत्र है ये काले धब्बों का क्षेत्र है, तो इनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी बोला जाता है, इसे शांति का सागर हिंदी में बोला जाता है। और चंद्रमा के इसी भाग पर यानी कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर ही सबसे पहले अपोलो 11 मिशन वहाँ पर गया था, जिसका जो नेतृत्व किया था नील आर्मस्ट्रांग ने, और नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने सबसे पहले सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर कदम रखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है, तो ये आपका मून पर है। और ये होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, ये जो मून है इस पर जो डार्क स्पॉट हैं काले धब्बे हैं उसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहा जाता है। जैसे कि आपकी ये पृथ्वी है और जो चंद्रमा है वो आपकी चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है, तो आपसे ये पूछा गया है जब चंद्रमा की जो स्थिति है वो सबसे निकट होगी, जैसे ये निकट है और ये जो कंडीशन है वो दूर है, तो उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। देखिए एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसको बोलते हैं आपका सुपर मून, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको, सुपर मून बोलते हैं। देखो सुपर मून की कंडीशन क्या है, एक तो पहली कंडीशन यही है कि वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक की कंडीशन है, और सुपर मून ऐसी स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है और इसमें चंद्रमा 14% ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है, ठीक है, 14% ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और 30% चमकदार, राइट। 14% बड़ा दिखाई देगा और 30% चमकदार दिखाई देगा क्योंकि वो पृथ्वी के पास होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं सुपर मून। तो यहाँ पर इमेज में देखिए सुपर मून कुछ इस तरह का जब होता है, पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तो इस तरह का आपका सुपर मून दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पृथ्वी की सतह से एक समय में चंद्रमा का अधिकतम कितने प्रतिशत भाग देखा जा सकता है, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो चंद्रमा है उसका हम कितना भाग देख सकते हैं, एक बार में कितना अधिकतम भाग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 59%, इतना हम भाग देख सकते हैं एक बार में अधिकतम, बाकी का पार्ट हम नहीं देख सकते हैं। इसका कारण क्या है, देखिए होता है कि जब जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की जो कक्षा है वो कैसी है, दीर्घवृत्ती है, ठीक है, यानी कि झुकाव युक्त है और दीर्घवृत्ती है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो छोटा और निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है, और चंद्रमा के इसी लिब्रेशन के कारण पृथ्वी की सतह से एक समय में केवल 59% भाग ही देखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ये सन है, ये आपका चंद्रमा है, तो इसका हम केवल 59% भाग देख सकते हैं, बाकी का पार्ट नहीं देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब चंद्रमा पृथ्वी की निकटतम होता है तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जब जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के निकटतम होता है तो उस अवस्था को हम कहते क्या हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि जो सुपर मून है वो क्या होती है, पृथ्वी के निकट होता है तो सुपर मून बोला जाता है, तो वो भी एक अलग क्वेश्चन था, लेकिन जब निकटतम होता है तो उस कंडीशन को हम कहते क्या हैं, वो आपको बताना है। तो इसको आंसर हो जाएगा उपभू, ठीक है, उपभू कहते हैं। उपभू का मतलब ये होता है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा की कंडीशन क्या होता है कि एक टाइम होता है कि पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है और एक टाइम क्या होता है पृथ्वी से पास होती है, जो निकटतम कंडीशन है उसको उपभू स्थिति बोलते हैं, और जो बहुत ही दूर की स्थिति होती है उसको अपभू बोलते हैं। जैसे इमेज में आप सही से समझ सकते हैं, जैसे ये आपका अर्थ है और ये आपकी चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रही है, तो एक कंडीशन ये देखिए 363 और ये है 405, यानी कि ये जो दूरी है वो अधिक है और ये जो दूरी है वो कम है, तो इस स्थिति को बोलते हैं आपका उपभू स्थिति, और जब चंद्रमा पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है तो उसको बोलते हैं अपभू स्थिति, और ये दूरी वाली स्थिति है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, जब पास में होता है तो उसी को बहुत ज़्यादा चंद्रमा बड़ा होता है तो उसी को सुपर मून भी बोल दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इनका आंसर हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, यानी कि मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच जो छोटे छोटे शैल के जो टुकड़े हैं उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह बोलते हैं।
तो इमेज में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये आपका सन है, सबसे बीच में यानी कि केंद्र में सन है, इसके बाद आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो मंगल की ये जो कक्षा है वो ये है आपकी, ठीक है, और बृहस्पति की जो कक्षा है वो ये कक्षा है। तो इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है ये आपके क्षुद्र ग्रहों का सर्कल है, क्षुद्र ग्रहों की पट्टी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, और ये छोटे बड़े कई प्रकार के होते हैं, इसमें मुख्य पेटी भी होती है, कुछ पृथ्वी के निकटतम भी क्षुद्र ग्रह हैं जो कि पृथ्वी से उनकी दूरी कम है, कुछ बहुत ज़्यादा दूरी है, लेकिन ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि मंगल और बृहस्पति की जो सीमा है उनके बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उल्कापिंड किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्या तीव्र गति से चलते तारे को उल्कापिंड कहेंगे, या फिर बाह्य अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का जो टुकड़ा है या अंश है उसको उल्टा उल्कापिंड कहेंगे, या फिर तारामंडल का एक भाग है, या फिर एक पुच्छहीन यानी कि पूंछ रहित धूमकेतु है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाहरी अंतरिक्ष पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जो पिंड होते हैं उनको उल्कापिंड बोलते हैं, इनको टूटता तारा भी कहा जाता है। और ये जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज में दिया गया है, जैसे ये आपका एक उल्कापिंड है, आप इमेज में देख रहे होंगे कि ये बहुत ही खतरनाक टाइप का लग रहा है कि पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी का बहुत नुकसान होगा, इस तरह की न्यूज़ आप देखते रहे होंगे कि उल्कापिंड आ रहा है, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तो हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भविष्य की क्या है वो तो आप जानते हैं। तो उल्कापिंड जो होते हैं वो अंतरिक्ष से आते हैं, पृथ्वी की कक्षा के आसपास से निकल जाते हैं, और जब भी पृथ्वी के वायुमंडल में ये प्रवेश करते हैं तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके घर्षण से यानी कि उसके साथ क्रिया करने से ये चमकने लगते हैं, और पृथ्वी के पहुंचने के पूर्व ही जनरली अधिकतम जलकर राख भी हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं उल्कापिंड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर शून्य अंश अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे बोलते हैं विषुवत रेखा, और शून्य देशांतर का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है, आप जानते हैं ये है आपकी पृथ्वी, ये 0 डिग्री आपकी विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, और एक है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं। तो आपको ये बताना है कि उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, प्रतिच्छेदन बिंदु है, वो कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने भी दिए गए हैं, तो इनमें आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा इमेज के साथ। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी इक्वेटर लाइन है येलो कलर की, रेड लाइन है आपकी ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो ये आपकी आपकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों का, ये आपका यहाँ पर है, और ये कौन सा समुद्र है, ये आपका है अटलांटिक महासागर। अभी हमने क्वेश्चन में यही बताया है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। अगर आपसे और डीप में पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर में अभी ये कहाँ पर है, तो ये भी आपको बताना होगा। तो देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, ये ग्रीन कलर में आपने देखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसके पश्चिम में एक खाड़ी है, गिनी की खाड़ी, यहाँ पर जो दोनों रेखाएं मिल रही हैं इसको बोलते हैं गिनी की खाड़ी। तो बता सकते हैं अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, यहाँ पर 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि ये अर्थ है, इसमें 0 डिग्री देशांतर रेखा को बोलते हैं आपकी ग्रीनविच रेखा, और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा भी होती है जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसके आगे बढ़ने पर एक दिन जुड़ जाता है, पीछे घटने पर एक दिन घट जाता है। तो ये आपकी 180 डिग्री रेखा है, इमेज में आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इसका आंसर मैं आपको बता दूँ, इसका देखिए जो राइट आंसर है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट कौन है, बेरिंग जल डमरू मध्य। देखिए इमेज यहाँ पर आपके सामने दी गई है, ये देखिए ये जो ग्रीन ये आपके सामने जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट जो जल डमरू मध्य है वो है आपका बेरिंग जल डमरू मध्य, और ये है यहाँ पर, ये देखिए बेरिंग जल डमरू मध्य ये है आपका। और इसके द्वारा क्या होता है कि ये जो एशिया महाद्वीप है और ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा, जहाँ से ही ये आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एशिया महाद्वीप
ये आपका एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों के बीच में ये बेरिंग जलडमरू मध्य है और यही आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यहीं से गुजरती है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रहे आज की वीडियो के टॉप 10 क्वेश्चन। आज हमने कुल 10 प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको मैप सहित इमेज सहित समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और कमेंट में ये भी बताना कि इस तरह से जो इमेज के साथ आपको जो समझाया गया वो कैसा लगा, प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे की वीडियोस बनाएंगे। और आज के वीडियो का मैंने आपके क्विज भी दिया है, वो भी आपको कमेंट में देना है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।